हमने गैसेस के लिए पढ़ा था, फॉर गैसेस हमारे पास एक इक्वेशन था PV इज इक्वल टू NRT। अगर हम इसको ये कर दें PV इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल के जगह मास बटा मोलर मास इंटू RT, मोलर मास इधर आएगा तो हो जाएगा हमारे पास PM इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, इधर आएगा VRT। इसको आप लिख सकते हो PM इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी। सबको पता होगा मास बाई वॉल्यूम डेंसिटी होता है। तुम्हारा एक फॉर्मूला बन गया PM इज इक्वल टू DRT। इससे अगर आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो M इज इक्वल टू RT बाई P इंटू डेंसिटी, मोलर मास इज इक्वल टू RT बाई P इंटू डेंसिटी। गैस के लिए सारा कुछ। तो अगर हम टेम्परेचर प्रेशर को कांस्टेंट कर दें, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर मोलर मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। गैस के लिए मोलर मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। अब जब मोलर मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी है तो हम लोग दो अलग अलग गैस को कंसीडर करते हैं। अगर दो अलग अलग गैस लें, फॉर गैस वन एंड टू एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, फॉर गैस वन एंड टू एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर जो डेंसिटी का रेशियो होगा वो मोलर मास के रेशियो के बराबर होगा, क्योंकि मोलर मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी है एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो अगर सेम टेम्परेचर प्रेशर रखोगे तो कैंसिल हो जाएगा प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट और आ जाएगा डी वन बाई डी टू इक्वल टू एम वन बाई एम टू। तुमको मान लो एक सवाल पूछते हैं हम इस पे, इसका सवाल इस तरह से पूछा जाता है फाइंड द डेंसिटी ऑफ क्लोरीन गैस विथ रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ एयर। एयर हम बता दें 28% 21% O2 और 79% N2 मान लेते हैं हम एयर को, लगभग सही है। अगर हम डेंसिटी ऑफ क्लोरीन निकालना चाहते हैं विथ रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ एयर तो हमको मोलर मास ऑफ क्लोरीन विथ रिस्पेक्ट टू मोलर मास ऑफ एयर रखना होगा। ऑब्वियसली ये सवाल जो है सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे है, चाहो तो आप मेंशन कर सकते हो सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। मोलर मास ऑफ Cl2 तो सब लोग जान रहे हो 71 ग्राम, मोलर मास ऑफ एयर होता है 28.9 ग्राम। कैसे होता अभी हम बता रहे हैं, 71 बाई 28.9। अब देखो कैसे निकाला हमने, किसी भी मिक्सचर का मोलर मास निकालने का एक फॉर्मूला है, एयर एक मिक्सचर हो गया और मिक्सचर में आप जानते हो मास ऑफ मिक्सचर, तीन प्रॉपर्टी हम लिख देते हैं यहां पे, मास ऑफ कंपोनेंट के जोड़ के बराबर होता है। जितना भी कंपोनेंट है सभी का मास जोड़ दो मास ऑफ मिक्सचर आएगा। नंबर ऑफ मोल ऑफ मिक्सचर नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट के जोड़ के बराबर होता है, और वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर ये तीन सेटिस्फाई होता है। वॉल्यूम का कुछ कंडीशन भी है, नंबर ऑफ मोल और मास का कोई कंडीशन ऑलमोस्ट नहीं, तीन चीज सेटिस्फाई होता है। इसी के आधार पे आपको प्रूफ करते हैं कि कैसे हमने मोलर मास ऑफ एयर 28.9 लिखा है। देखिए M मिक्सचर इज इक्वल टू हमारे पास हो गया M1 प्लस M2 प्लस M3, जनरलाइज करके हम मिक्सचर का मोलर मास निकालना चाह रहे हैं। किसी भी कंपोनेंट का मास नंबर ऑफ मोल ऑफ दैट कंपोनेंट
इनटू मोलर मास के बराबर होगा। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास बाय मोलर मास, इसलिए नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास बाय मोलर मास, तो मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इनटू मोलर मास, सीधा सीधा फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास बटा मोलर मास हम लोग पढ़े थे, तो ये इधर कर दोगे मास निकालने के लिए ना, साफ है। एन वन एम वन सेम तरीके से आपका लगा दिया, एन टू एम टू, एन थ्री एम थ्री, प्लस अप टू जहां तक है, तो मोलर मास ऑफ मिक्सचर क्या होगा, कंपोनेंट का मोल इंटू मोलर मास, कंपोनेंट का मोल इंटू मोलर मास, कंपोनेंट का मोल इंटू मोलर मास, सबको ऐड कर दो, डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ मिक्सचर क्या होगा, एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री अप टू कहां तक जहां तक आप ऐड कर सकते हो, यही मिक्सचर का मोलर मास निकालने का तरीका है। देखिए एयर 79% N2 है और 21% O2 है, तो अगर हम मोलर मास ऑफ एयर लिखना चाहेंगे तो होगा क्या, 79 into 28 प्लस 21 into 32 डिवाइड बाय 79 plus 21, टोटल अगर आप कैलकुलेशन करोगे इसका तो कितना है, आप देखोगे आएगा 28.9 अप्रॉक्स 29 मोलर मास ऑफ एयर, आप याद रख सकते हो लगभग 29 के करीब है, इसी को हमने यूज कर लिया था वहां, तो मोलर मास निकालने का मिक्सचर का यही तरीका है, सभी के मास को जोड़ दिया डिवाइड बाय टोटल मोल कर दिया। अब देखिए इसके अलावा मोल कंसेप्ट में दो और पॉइंट बचता है, दोनों पॉइंट को हम लोग आज डील कर लेंगे बस। देखिए टर्म डिफाइन किया था वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी क्या होता है, गैस के लिए डिफाइंड है ठीक है, और ये एक रिलेटिव डेंसिटी होता है, इट इज रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गैस with respect to density of hydrogen gas at same temperature and pressure जैसे कि अगर हम वेपर डेंसिटी एक गैस का डिफाइन करें, किसी भी गैस का वेपर डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ दैट गैस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, ये आप सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे लोगे, साफ साफ दिख रहा है कि क्या होगा, वेपर डेंसिटी यूनिटलेस होगा ठीक है। अब देखिए हम लोग जान चुके हैं कि डेंसिटी का रेशियो गैस का मोलर मास के रेशियो के बराबर होता है, तो मोलर मास ऑफ गैस डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन, अब वेपर डेंसिटी गैस का ये है मोलर मास ऑफ गैस बाय मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन, क्या होगा मोलर मास ऑफ गैस डिवाइड बाय कितना 2 ग्राम, ये वेपर डेंसिटी ऑफ गैस हुआ, तो मोलर मास ऑफ गैस हो जाएगा कितना, मोलर मास ऑफ गैस हो जाएगा 2 into वेपर डेंसिटी ऑफ गैस, ये सबके लिए वैलिड है, इसमें कुछ है नहीं कि किसी के लिए होगा और किसी के लिए नहीं होगा, गैस के लिए मोलर मास 2 into वेपर डेंसिटी है। देखिए इसमें एक सवाल करवाते हैं छोटा सा, मान लिया हमने कहा कि इफ डेंसिटी ऑफ एयर, ये कंफ्यूज करने के लिए ही दिया जाता है ऐसा सवाल, डेंसिटी ऑफ एयर इज 5.8 × 10⁻⁵ ग्राम पर सीसी, देन फाइंड वेपर डेंसिटी ऑफ एयर, वेपर डेंसिटी ऑफ एयर
एयर का वेपर डेंसिटी निकालिए। सवाल ये अधिकतर लोग करेंगे क्या, वेपर डेंसिटी ऑफ एयर इज इक्वल टू फॉर्मूला लगा देंगे डेंसिटी ऑफ एयर डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। डेंसिटी ऑफ एयर तो दे दिया है लेकिन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन तो आपको पता है नहीं, तो इसलिए ये तरीका अच्छा नहीं बढ़ेगा ही नहीं, अच्छा क्या बढ़ेगा ही नहीं। तो हम लोग को मजबूरी है कि ये ना यूज करके ये हम नहीं यूज करेंगे, बल्कि मोलर मास ऑफ एयर डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन। मोलर मास ऑफ एयर अभी बताया हमने 28.9 और ये 2 ग्राम कितना आएगा 14.45। वेपर डेंसिटी जो होगा एयर का 14.45 होगा। समझ में आया? तो डेंसिटी से ना रिलेट करके आप वेपर डेंसिटी को मोलर मास से रिलेट करा करोगे, यही है वेपर डेंसिटी का इस तरह का सवाल पूछा जाता है। इसके बाद एक टर्म होता है इसी तरह का, वेपर डेंसिटी हम लोग पढ़ चुके हैं, इसी तरह से एक टर्म और होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये भी एक रिलेटिव डेंसिटी है, हालांकि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस नॉट ओनली गैस, सॉलिड लिक्विड गैस सबके लिए वैलिड है। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस विथ रेस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ वाटर, इट इज रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस सब्सटेंस विथ रेस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ वाटर। ये सॉलिड लिक्विड गैस सबके लिए होगा। देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू हो जाएगा, डिफिनेशन यही है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। फिर ये क्या होगा, यूनिटलेस होगा, सबको दिख रहा है सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो है तो यूनिटलेस होगा ही। डेंसिटी ऑफ वाटर होता है हम लोग जानते हैं, वी नो, हम लोग जान रहे हैं इस चीज को, सब लोग जानते हैं कि डेंसिटी ऑफ वाटर होता है 1 ग्राम पर मिलीलीटर या 1 ग्राम पर सीसी। तो अगर हम रखेंगे इसको देखो तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होगा बराबर हो जाएगा डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस के किस यूनिट में, ग्राम पर मिलीलीटर में। तो ग्राम पर मिलीलीटर में क्या होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस के बराबर होगा। सिंपल सा बात है, अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है मतलब डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस दिया है ग्राम पर मिलीलीटर। जैसे देखिए इसमें एक क्वेश्चन हम करते हैं, आप एक क्वेश्चन बताते हैं आपको। मान लिया हम एक सवाल लेते हैं कि 1 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड ए, जिसका कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ए का दिया हुआ है 0.8 एंड लिक्विड बी जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है 1.8, है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 1.4 टुगेदर, मिक्सचर का 1.4 है, सेपरेटली दिया हुआ है 0.8 एंड 1.8। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए इन द मिक्सचर, मिक्सचर में ए का वॉल्यूम निकालिए। अब देखिए हमारे पास है स्पेसिफिक ग्रेविटी ए का दिया हुआ 0.8, इसका मतलब है कि डेंसिटी ऑफ ए जो है 0.8 ग्राम पर सीसी है। मान लेते हैं लेट वॉल्यूम ऑफ ए, वॉल्यूम ऑफ ए ही पूछा जा रहा है, वॉल्यूम ऑफ ए मान लिया हमने वी ए, ठीक है, देन मास ऑफ ए क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ ए इंटू डेंसिटी ऑफ ए मतलब 0.8 वी ए।
फिर दिया हुआ है स्पेसिफिक ग्रेविटी b का 1.8, इसका मतलब है डेंसिटी ऑफ b जो होगा 1.8 ग्राम पर सीसी होगा। एक बात गौर करोगे आप कि अगर हमने वॉल्यूम ऑफ a माना va मिलीलीटर, तो वॉल्यूम ऑफ b जो होगा मिक्सचर के वॉल्यूम में से, मिक्सचर का वॉल्यूम है 1000 मिलीलीटर में से हमने क्या किया va घटा दिया, इतना मिलीलीटर होगा। ये एकदम अंडरस्टूड है कि एक का वॉल्यूम va मिलीलीटर तो दूसरे का 1000 माइनस va मिलीलीटर, बिकॉज मिक्सचर का वॉल्यूम 1000 मिलीलीटर था। तो हमारे पास ये, तो देखो मास ऑफ b जो हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ b डेंसिटी ऑफ b, मतलब हो जाएगा 1000 माइनस va इंटू 1.8। अब सभी लोग जानते हो ये कि मास ऑफ मिक्सचर जो होना है कंपोनेंट के मास के जोड़ के बराबर होना है। मास ऑफ मिक्सचर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर 1000 मिलीलीटर में, सीजीएस यूनिट पर रखोगे चूंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी सीजीएस यूनिट पर डेंसिटी देता है, और इनटू स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है मिक्सचर का 1.4, तो मिक्सचर का 1.4 स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब डेंसिटी है 1.4 ग्राम पर सीसी ग्राम इज इक्वल टू, समझ में आया ना, जैसे इसके लिए किया वैसे इसके लिए किया, क्या होगा 0.8 va प्लस 1000 माइनस va इंटू 0.1.8 कितना होगा। अगर आप इसका कैलकुलेशन करोगे इधर कैलकुलेशन कर देते हैं तो 1400 इज इक्वल टू होगा क्या, होगा 1800 और माइनस आप कैलकुलेशन करो इसको आएगा va, तो va इज इक्वल टू आ जाएगा 400 मिलीलीटर, और vb देन इज इक्वल टू हो जाएगा 1000 माइनस va मतलब 600 मिलीलीटर। कहने का मतलब यह है कि हमारे पास एक कंपोनेंट का वॉल्यूम होगा 400 मिलीलीटर और एक कंपोनेंट का वॉल्यूम होगा 600 मिलीलीटर, समझ में आया। यही सारा मोल कंसेप्ट पे है, अगली क्लास में हम लोग मोल कंसेप्ट पे अब सवाल करेंगे, प्रॉब्लम्स वगैरह करना शुरू करेंगे, उसके बाद आपको हम क्वेश्चन बैंक का सवाल करवाएंगे।